हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। आज है रमदान डे 30, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम लोग सहरी करके, नमाज पढ़ के निकल चुके हैं मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट ओपन है टिल 9, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि कल हमारे यहाँ ईद है तो कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो मिलती हूँ आपसे आने के बाद इंशाल्लाह इफ्तार टाइम में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन। आज मैं बना रही हूँ थ्रेड चिकन, आलू के पकोड़े और एग पकोड़े। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड चिकन बना लिया है, अब मैं इसको फ्राई करूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी। तो अब मैं बना रही हूँ एग पकौड़ा। एग पकौड़ा के लिए यहाँ पर मैंने बैटर रेडी कर दिया है। इधर मैंने एग को बॉईल कर दिया है, अब इसको मैं एग को इस बैटर में डिप कर दूंगी। इसको मैं छोड़ दूंगी ऑयल। यहाँ पर मैंने एग डाल दिया है। इसी बैटर में मैं फ्राई करूंगी आलू के पकोड़े। यहाँ पर मैंने आलू को इस तरह से कट कर लिया है। जिस बैटर में मैंने एक पकोड़े बनाए हैं, उसी बैटर से अब बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो यहाँ पर है शयान और ये है हमारा आज का इफ्तार और आखिरी इफ्तार है। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े, एग पकोड़े, थ्रेड चिकन और जूसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अजान हो रही है, हम लोग इफ्तार करेंगे। हमारा इफ्तार हो चुका है, हम लोगों ने मगरिब की नमाज भी पढ़ी है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि उन लोगों को चांद देखना है, क्योंकि आज चांद रात है माशाल्लाह। तो हम लोग ऊपर टेरेस पर जा रहे हैं चांद देखने के लिए। इंशाल्लाह देखते हैं कि हम लोग चांद देख पाएंगे या नहीं। ईद का चांद मंजे। शयान इज वेरी सैड। रमजान का महीना ख़त्म हो चुका है, शयान का फेवरेट महीना है। शयान इज नॉट हैप्पी। ये देखिए हम लोग आ गए हैं टेरेस पे। बिजलियां चमक रही है, चांद तो नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं चांद किधर है, चांद तो नहीं दिख रहा है। मम्मा मेरे घर से लेट हुआ, मैं बोला था लेट हुआ। शायद हम लोग लेट हो गए हैं इफ्तार में, हम लोगों ने ज़्यादा वक्त लगा दिया है। बादल भी छाए हुए हैं, शायद इस वजह से भी नहीं दिख रहा है। चलो ये देखिए टेरेस से हमारे व्यू कितना अच्छा, व्यू कितना अच्छा है माशाल्लाह। ये अपार्टमेंट के टेरेस से ये देखिए माशाल्लाह कि वहाँ पर फ्लाइट आ रही है। गौर से देखिए कितनी छोटी है वो, बहुत स्लो भी है। यहाँ पर देखिए फ्लाइट। तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, चांद तो नहीं दिखा, शायद हम लोग लेट हो गए या फिर बहुत बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी शायद। और कहते हैं ईद का चांद इतनी आसानी से दिखता नहीं है, बट ईद तो कंफर्म है। सबको चांद रात मुबारक हो। अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे। आज है चांद रात और सबको चांद रात मुबारक।
और कुछ जगहों पर कल चांद रात होगी, तो उनके लिए भी एडवांस में मुबारकबाद। तो अब मैं कर रही हूँ ईद प्रिपरेशन। ईद प्रिपरेशन में मैं पहले भिगोऊंगी ड्राई फ्रूट्स और शीर खुरमा। तो अब मैं भिगो रही हूँ, यहाँ पर है ड्राई खजूर, और मैं भिगो रही हूँ थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट और थोड़े से काजू। शीर खुरमा तो सबके यहाँ बनती है, ये तो मेन है जो सब लोग बनाते हैं और सब लोग पसंद भी करते हैं। आप लोगों को पता होगा आज सुबह मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको खरीदा। इसमें कोका कोला की एक बोतल से अब इसको मैं ओपन करके फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह के एक बॉटल्स का पैकेट है, ये बॉटल है, इसमें बहुत ही क्यूट है और अच्छी भी लगी है। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। यहाँ पर है सेवैया, शिव कुर्मे के लिए जो सेवैया लगती है तो मैं ये लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हो रही है ईद की प्रिपरेशन शेजा की। हाय शेजा, नींद आ रही है, दिखा दो मेहंदी। ये देखिए माशाल्लाह, अभी ये पूरी नहीं हुई है डिजाइन, अभी यहाँ पर फिलअप करना बाकी है, यहाँ पर गैप्स फिल होना बाकी है। तो ये ड्राई हो चुका है, दूसरे हाथ में भी मेहंदी लग चुकी है शेजा के। तो यहाँ पर सोनी मेहंदी लगा रही है शेजा को, तो अब मुझे भी मेहंदी लगाना है, मैं भी लगा लूंगी। अगर आप लोग मेरी ब्लॉग्स को पहले से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने कहा था कि मुझे मेहंदी से एलर्जी है, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लगा सकती। मैं सिर्फ इधर हथेली में मेहंदी लगा सकती हूँ, तो सिर्फ इधर ही लगा लूंगी। और अब बज रहे हैं 12:57 और अब हम लोगों को टाइम मिला मेहंदी लगाने का, तो देखते हैं कब तक हम लोग बैठते हैं। अभी सोनी को भी मेहंदी लगाना है, शेजा का भी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है माशाल्लाह। और अब शेजा को आ रही है बहुत नींद, तो इसलिए इन भगाने के लिए हम लोग खाएंगे इसको। यमी यमी बबली। ऑलरेडी हम लोग हाफ खा चुके हैं, तो मेहंदी लगाने के साथ साथ हम लोग चॉकलेट भी एंजॉय कर रहे हैं। चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, इट्स सिल्क बबली, डेयरी मिल्क सिल्क बबली। तो हाफ हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर सोनी अपने हाथ में मेहंदी अप्लाई कर रही है, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह, अब मेरी बारी कब आएगी, कब आएगी मेरी बारी। मेहंदी का पैकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मेरी बारी कब आएगी शेजा। मम्मा मेहंदी का पैकेट ऑलमोस्ट खत्म। शयान क्या कर रहे हो बैठ के, जाके सो जाओ। नहीं नहीं, मेहंदी लगवाना है, चॉकलेट खाना है, हाँ इसलिए बैठे हुए। अब हम लोग चॉकलेट एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर है चॉकलेट मेरी गुड़िया के लिए, पूरे रोजे कंप्लीट करने की खुशी में। यस वेरी गुड, शेजा के पूरे रोजे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर है शयान, और शयान ने भी पूरे रोजे कंप्लीट कर लिए हैं, शयान के भी पूरे रोजे हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये रहा सोनी के लिए, तो सोनी के भी पूरे रोजे हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब बज रहे हैं
250 और अब मेरी बारी आ गई है, मैं अब लगवा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी लगने वाली तो देखिए इस तरह से है डिजाइन। पता नहीं हम लोग कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे। एक घंटा सोएंगे, 4 बजे उठेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। तो अब हम वीडियो को एंड करेंगे। सबको चांद रात मुबारक हो और ईद मुबारक इन एडवांस। मिलते हैं ईद व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।